हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हमारा आज जो पेपर है वो है एल्गीब्राइफाइट एंड लाइकेंस, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है यूनिट फर्स्ट से वो है एल्गी। एल्गी में अब आज का हमारा जो टॉपिक है हॉट टॉपिक, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। अगर पिछली क्लास को आप याद करें तो हमने जर्नल इंट्रोडक्शन जो दिया एल्गीज का, या किसी का भी आगे हम चलेंगे, इन फंगस चले जाएं या ब्रायोफाइट चले जाएं, जहां पे भी हम आगे जाएंगे, तो हमने यही कहा था फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और उसकी स्वभाव। दूसरा हमने दिया थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देन इसी में सेल स्ट्रक्चर भी, ठीक है। थर्ड वन अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन ने फिर बात करी पिगमेंट्स की, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। इसी के साथ में एक छोटा सा पॉइंट जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल का भी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली अपन बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं स्टार्च के रूप में, संग्रहित या संरक्षित भोज्य पदार्थों की बात करें तो स्टार्च। लेकिन अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग टाइप से, जैसे कि अगर अपन साइनोफाइसी की बात करें तो दीज आर बेसिकली रिजेम्बलेंस टू बैक्टीरिया, तो ऐसे में उनमें प्रकाश संश्लेषण तो है, ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन उनमें स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, वहां पे मिक्सिंग है स्टार्च प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की। तो हम एक बेसिक में छोटा सा मोटा अगर कहें तो ग्लाइकोजन जरूर बोल देते हैं, बाकी वहां पे एक मिक्सिंग कंपाउंड्स के रूप में जो है इनका संश्लेषण वहां पे और स्टोरेज हो रहा है। वहीं जैसे अलग अलग है, रोडोफाइसी का अलग है, जेंथोफाइसी का अलग, फ्यूफाइसिंग मेंबर्स हैं उनके अलग है, तो वहां एक ये पॉइंट जो हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका। अब हमारे पास पॉइंट आता है वो है रिप्रो। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के तीनों फॉर्म्स वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कोई सी है कोई सी नहीं है, तो इन सारी चीजों की पूरी नॉलेज। देन हमारे लास्ट में आता है फिर लाइफ साइकिल, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होने के बाद फिर हम पहुंचेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इन सारे पॉइंट्स में अगर अपन कहें तो हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट्स, ये हमारे कंप्लीट हो चुके। मैंने प्रारंभ में जो आपको बताया था पूरा का पूरा जनरल करेक्टर्स, वो भी हमने इन पांच पॉइंट्स को ही डिस्कस किया, और इन्हीं के दो दो तीन तीन या चार चार पॉइंट्स निकालकर हमने जनरल करेक्टर्स बनाए थे। तो हैबिट्स, थैलस एंड पिगमेंट्स कंप्लीट। अब हम आते हैं किस पे, रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन इन एल्गीज, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी नेसेसरी प्रोसेस है ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों की एक ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से सजीव जो है वो क्या कर सकता है, अपने समान नई संतति को उत्पन्न कर सकता है। एक घंटा लूंगा मैं अभी, एक घंटा मेरा आज हुआ नहीं, मैं लेट चालू किया था, मतलब सवा चार तो दे सकता है, चार दस, ठीक है। तो ऐसे में रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या किया जा सकता है, अपने समान नए सजीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। और रिप्रोडक्शन को यहाँ एल्गी के रूप में अगर अपन समझें तो हम इसे तीन क्राइटेरियाज में बांट देते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड वन अगर अपन बताएं तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रो। वेजिटेटिव का मतलब हो गया कायिक,
जनन, ए लैंगिक जनन, और ये हो गया लैंगिक जनन। हम इन्हें एक एक करके परिभाषा के रूप में समझेंगे भी, और एल्गीज में क्या क्या फॉर्मेशंस के रूप में, किन किन विशिष्ट संरचनाओं के रूप में ये जनन पाए जा रहे हैं, ये भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। लेकिन बेसिक तरीके से अगर अपन एल्गीज की बात करें तो हमने डेफिनेशन तो दे दी, व्हाट आर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए कह दिया सजीव कोशिकाओं के समान ही या अपनी जैसी नई संततियों को डेवलप करना, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आज यहाँ पे किसी सजीव जाति का अस्तित्व विद्यमान है। जैसे हम दूसरी भाषा में अगर कहें तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मान लीजिए प्रकृति में कोई जीव की उत्पत्ति हुई, इवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे हुआ, कैसे नई ट्रेड सामने आई है, स्पीसीज सामने आई, हम एक ये मान रहे हैं कि जीव की उत्पत्ति हुई, और एक्चुअली में जीव बने हुए होते हैं कोशिका से, कोशिका की लाइफ पहले से निहित होती है, ठीक है, तो कोशिका के अंदर विभाजन, उसका आनुवंशिक मटेरियल, उसकी उपापचयी क्रियाएं, और फाइनली उसका अपोप्टोसिस या उसका पीसीडी साइकिल, ये सारी की सारी चीज़ें पहले से उसमें बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में अंतर्निहित होती हैं। तो शायद हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका की लाइफ साइकिल फिक्स है, अर्थात जो कोशिका डेवलप हुई है या डिवाइड होकर नई बनी है संतति के रूप में, उसकी मृत्यु या उसका अपघटन निश्चित है। इसका मतलब कोई भी सजीव जो है वो अपने जीवन काल में क्या नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता, या कभी भी ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा, होना निश्चित है। तो ऐसे में कोई कितना ही बड़ा जीव हो, चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, उसकी कोशिकाओं को अगर हम नष्ट कर देंगे तो जीव भी नष्ट हो जाएगा। तो बड़े कोशिका शरीरों में क्या हो रहा है, जैसे हम बात करें यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास की ये कोशिका है, अगर ये नष्ट हो जाती है तो क्लेमाइडोमोनास भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। लेकिन वहीं अगर अपन बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय में जैसे अगर अपन एल्गीज के बहुकोशिकीय की बात करें या हम तक पहुंचे किसके अंदर, जिम एंजियोस्पर्म्स में, तो उन कोशिका जो कि जीर्ण हो चुकी है उनका रिप्लेसमेंट होता है और विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं उनकी जगह को लेकर उस कार्य को करती रहती है। यही कारण है कि उनका जीवन काल इनकी तुलना में बहुवर्षीय हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो सभी कोशिकाएं भी जीर्ण होती हैं और मृत्यु को प्राप्त होंगी। ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ अगर अपन अमर होने की एक बात करें तो जैसे कि अमीबा है, उसकी कोई सेल शेप नहीं है, और अमीबा को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो वो दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर वहां से ये वापस ब्रेक होती है और फिर दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है अमीबा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में इसकी जो ओरिजिनल सेल थी वो यहां पे दिखाई दे ही नहीं रही। ओरिजिनल कोशिका मैच्योर हुई, दो संतति, ओरिजिनल फिर वो वापस मैच्योर हुई, दो संतति, इस तरीके से इनकी संततियां बढ़ती जा रही हैं। तो कोशिका को मरने का या उपापचय क्रिया पूर्ण करने का समय ही नहीं मिल रहा। तो हम ये कह देते हैं एक सिंपल नॉलेज के लिए कि अमीबा अमर है, उसके अलावा कोई कोशिका मरनी, तो उसके कारण ये है। तो एक्चुअली में उसका मेन रूप है ही नहीं। क्लेमाइडोमोनास में इस तरीके के ऐसा कोई विभाजन नहीं हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे कोशिकाएं जो है वो नष्ट होती हैं, प्लस इनकी सेल शेप एंड सेल डिजाइन फिक्स हो गई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल की कोई उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। तो पादप जगत की सारी कोशिकाएं जो हैं वो एक तरीके से मृत्यु को प्राप्त या सिनेसेंस शो कर रही हैं। तो जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप समान जेनेटिक अप्रोच को हम दूसरे को दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा गुण। एक गुण इसमें और डिनोट कर लेते हैं, दूसरा गुण यह है कि जब एक सिंपल डेफिनेशन समझना कि सिंपल कोशिका है और ये गुणों में अच्छी है, उत्तम गुण, ये हम लोअर के लिए नहीं बात कर रहे, हायर क्रिप्टोगेम्स के लिए भी अगर अपन बात करें तो उसके भी ऐड कर सकते हैं। तो इस कोशिका में उत्तम गुण है, और ऐसे में जब यही कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इसमें जेनेटिक अप्रोच जो है, मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच जो है, और फिजिकल अप्रोच जो है वो इसकी संतति में सेम टू सेम कैरी होती है, कैरी ऑन हो गई। तो ऐसे में इनका और इसके गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होगा, ये एक तरीके से एवोल्यूशन या प्रोडक्टिविटी या अगर अपन बात करें प्रतिरोधक क्षमता, इन सभी के लिए एक तरीके से अच्छा वरदान है, ठीक है। वहीं अगर अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गुण आ रहा है मेल की तरफ से और एक गुण आ रहा है फीमेल की तरफ से,
और ये दोनों के दोनों हैप्लोइड गुण मिलकर जायगोट बना रहे हैं, डिप्लोइड संरचना बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो संपूर्ण गुण मेल में थे, संपूर्ण गुण किस में हैं, फीमेल में थे, लेकिन चाइल्ड या जायगोट की अगर हम बात करें या एम्ब्रियो की बात करें, तो जायगोट के अंदर इसमें एन प्लस एन मतलब मेल के कितने हैं आधे और फीमेल के कितने आधे, और ये जो 2n बन रहा है ये मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब माता से और पिता से समान होने के बावजूद इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा, और वो चेंजेज जो है वो नई धीरे धीरे करते हुए लगभग 11 या 12 पीढ़ी के बाद पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये नया विकास क्रम या नई स्पीसीज को डिनोट करने की भी एक प्रक्रिया के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन कैटेगरीज में इसको बांट लिया, सबसे पहले अपने जैसे जीवों को धरती पे छोड़ना, ठीक है, दूसरा यहाँ पे उच्च गुणवत्ता जो है उसको बनाए रखना, तीसरा जो है वो नई स्पीसीज को सामने लाना, और चौथी अगर अपन बात करें एल्गीज के रेफरेंस में तो सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी सजीव कोशिका को टॉलरेंट बनाना या चिरकालिक बनाना, और प्रतिकूल अवस्थाओं के निकलने के बाद उसे वापस सजीव प्रजक बना देना या सजीवता उसमें ला देना, ये भी जनन की ही सबसे बड़ी खासियत है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम यहाँ पे जो जनन है एल्गीज में, तीन प्रकार का जनन ये दर्शाती है। वेजिटेटिव जो कि सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है, मैक्सिमम एल्गीज इसको अपनाती हैं, यहाँ तक कि एल्गीज नहीं, अगर आज हम एंजियोस्पर्म्स की भी बात करें तो बहुत एंजियोस्पर्म्स हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अलैंगिक एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक थोड़ा सा एडवांस तरीका है, लेकिन इसमें भी जेनेटिक अप्रोच में कोई चेंजेज नहीं आ रहा है, लेकिन एक एडवांट या बढ़ते क्रम के रूप में विभाजन का या जनन का एक प्रोसेस है अलैंगिक तरीके से। तीसरा यहाँ पे आ रहा है सेक्सुअल, ये बहुत ही प्रगत वंशों के द्वारा दर्शाया जाने वाला है, यूनिसेल्युलर एल्गीज इसको नहीं दर्शा सकती, बहुकोशिकीय जो एल्गीज हैं वो इसके द्वारा दर्शाती है, लेकिन एल्गीज में भी अगर अपन बात करें तो बहुत हायर रेंज की अगर अपन बात करें, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया मतलब रोडोफाइटा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में दर्शाए जा रहे हैं। एक्चुअली में हम बात करें तो रोडोफाइटा ही नहीं है, क्राइसोफाइसी की भी हम बात करें जैसे कि जेंटोफाइसी में जैसे कि वाउचेरिया, उसके अलावा आप बात करें तो क्या बोलते हैं फियोफाइसी के सदस्य जैसे कि एक्टोकार्पस, ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी कारा, इनकी भी बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें भी है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो है कोशिका शरीर का मैच्योर होना, विकसित होना और पर्टिकुलर सेक्स ऑर्गन्स को धारण करना, जनन अंग या जनन तंत्र वहाँ डेवलप होना चाहिए जो कि मेल और फीमेल को प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंट करे, और उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बने। तो इस तरीके की संरचना इनमें नहीं मिल रही, तो उस संरचना के संदर्भ में तो सबसे बड़ा जो हम यहाँ पे लैंगिक जनन को स्पष्ट रूप से बात करें तो वो है अपवाद स्वरूप क्लोरोफाइसी का एक कारा, और नहीं तो रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो उसमें मिलता है एक सिंपल एक कोशिकीय जननांग देखने को मिलते हैं पॉलीसाइफोनिया में। तो ये हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन के लिए डेफिनेशन ये दे सकते हैं, फैलस
कोई भी कायिक कोशिका वृद्धि कर विभाजन शील हो जाती है, ठीक है। और इसके विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम संतति कोशिका के रूप में जानते हैं सामान्यतः, लेकिन इसके भी तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन जनन कोशिकाओं की संरचनाओं में बात करें, एक चीज और लिख दें, विशिष्ट, यही लिख देते हैं, इतना दूर क्यों लिखे हैं, एक पॉइंट हो ही गया। दूसरा, विशिष्ट जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अभाव, होता है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो गैमेट्स का मतलब युग्मक, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही नहीं है तो युग्मक, ठीक है, तथा स्पोर्स आदि, स्पोर का मतलब बीजाणु आदि का अभाव होता है। क्लियर? कोई विशिष्ट संरचना नहीं आ रही, केवल और केवल कायिक कोशिका इसमें भाग ले रही है। कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और अनुकूल परिस्थितियों में, ये स्टार डाल के लिख देते हैं, सदैव अनुकूल, सदैव अनुकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न, सदैव अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो गई, ठीक है। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मुख्य विधियां, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मुख्य विधियां, और विधियों की हम बात करें तो सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो बनता है, सबसे पहले जो हम यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट इज बाय सेल डिवीजन, ठीक है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कोशिका विभाजन, एक्चुअली में अगर अपन बात करें तो ये सीमित है, ये सभी में नहीं है। कोशिका विभाजन तो देखो हर प्रकार के, चाहे यूनिसेक वो सेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, सभी में ही होता है। लेकिन अगर अपन जनन के रूप में कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में कोशिका का विखंडन ही है, और इसमें एक तरीके से यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एकल कोशिक
ठीक है। एकल कोशिक की अगर अपन बात करें तो एकल कोशिक जीवों में या कोशिकाओं में यह संपन्न होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एकल कोशिक में काफी एग्जाम्पल्स हमारे थे जो कि कुछ साइनोफाइसी से रिलेटेड थे, माइक्रोसिस्टिक टाइप, कुछ अगर अगर अपन क्लोरोफाइसी से बात करें तो क्लोरोफाइसी, जैसे कि क्लोरोफाइस क्या बोलते हैं वो, क्लोरेला टाइप, जिग्मिया टाइप, स्पाइरुलाना टाइप, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। क्रूकोकस है, राइजो क्राइसिस है, युगलीना है, क्लेमाइडोमोनास, सिनेकोकस, क्लोरेला, जो सारी की सारी स्पाइरुलिना, एक कोशिकी अगर अपन सवालों की बात करें तो वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, और उन्हीं में विभाजन जो है इसी प्रकार से होता है और सेल डिवीजन के द्वारा उनका विकास। माइक्रोसिस्टिस, क्रू कोकस, ठीक है, क्रू कोकस, सिन कोकस, क्लोरेला, इस युगलीना, ठीक है, युगलीना की अगर अपन बात करें तो युगलीना में हम बडिंग भी शो करेंगे एंड स्पाइरुलिना, आदि राइजो क्राइसिस और वो भी हम डाल सकते हैं इसमें। इस प्रकार का विभाजन शो करते हैं। सेकेंड कैटेगरी इसी में ले ले तो इसमें हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं एक तरीके से विखंडन द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, कुछ आकार में बड़े थैला समान सिंपल जो क्या बोलते हैं फिलामेंटस थैलस थे वो ले सकते हैं, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंट्स ले हैं उनको ले सकते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाओं में क्या हो रहा है कि किसी फिजिकल डैमेज के कारण थैलस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया उसकी वजह से, या किसी और कारण, जैसे कि हम बात करें तो बीच में हिटेरोसिस्ट या हॉर्मोगोनिया का बन जाना या काइनिट का बन जाना, तीसरा हम कह सकते हैं किसी कोशिका के अंदर संक्रमण या डेसिकेशन, शुष्कता आ जाना, इस कारण से कई बार क्या होता है थैलस बीच में से ब्रेक हो जाता है। और थैलस ब्रेक हो जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्रक का होना जरूरी है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी काम यह है कि थैलस की हर कोशिका एक दूसरे से पृथक है, ठीक है, तो वो कोशिका वापस वही सेल डिवीजन करेगी और कोशिका इलोंगेट होके या नई कोशिकाएं बनाकर थैलस को वापस क्या बना लेती हैं, दुरुस्त कर लेती हैं, तो ये कह सकते हैं। तो अकर्स या सामान्यतः किसमें, फिलामेंटस, फिलामेंटस एल्गीज लिख देते हैं, ज़्यादा हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टी सेलुलर भी हो गई, सिंपल ब्रांच भी हो गई और प्लेन फिलामेंट भी हो गई, इस तरीके की जो एल्गीड्स हैं उनके अंदर फिलामेंटस एल्गीज में अनुकूल परिस्थितियों में तो यहाँ पे खुद ने तोड़ा है या किसी फिजिकल डैमेज से टूटा है, जिस भी कारण से टूटा है, दोनों के दोनों खंड जो है वो नया थैलस बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको याद आ रहा हो तो हम इसमें किसको यूज में ले सकते हैं, आप इसमें यूज में ले सकते हो नॉस्टॉक, ऑसिलोटेरिया, ये दोनों के दोनों साइनोफाइसी के सदस्य हैं। वहीं अगर अपन बात करें क्लोरोफाइसी की तो क्लोरोफाइसी में हमारे पास में यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, उडोगोनियम, क्या था, एक दो नाम दिमाग से निकल गए। बाकी हम यहाँ पे अगर फिलामेंटस की बात करें तो काफी एग्जांपल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो याद नहीं आ रहा, एक ऐड कर लेता, क्लेडोफोरा, तो डायग्रामेटिक दी देखिए, ये रहा यूलोथ्रिक्स, ये हो गई इसकी होल्ड फास्ट सेल्स, ठीक है, और ये इसमें जो है यूलोथ्रिक्स में ताराकृत हमने चप डिस्कॉइड इसके अंदर केंद्रक, और वो भी सिनोसिटिक अनेक, दो क्लोरोप्लास्ट, दैट इज यूलोथ्रिक्स फोल्ड फास्ट सेल। तो अगर किसी भी कारण से बीच में से टूटता है तो ऊपर वाला डेवलप कर लेता है होल्ड फास्ट को और नीचे वाला डेवलप कर लेता है टर्मिनल सेल्स को। उसी तरीके से अगर अपन नॉस्टॉक की बात करें तो नॉस्टॉक का डायग्राम ये था, ये हो गया नॉस्टॉक का डायग्राम, दैट इज नॉस्टॉक। स्ट्रक्चर हम पहले ढंग से बना चुके हैं, दैट इज यूलोथ्रिक्स, ठीक है, उडोगोनियम भी सिंपल थैलस के समान ही है, बस होल्ड फास्ट मिलेगी, उडोगोनियम प्लेन संरचना मिलेगी। क्लेडोफोरा की अगर अपन बात करें तो क्लेडोफोरा हमने शाखित में देखा था, दैट इज क्लेडोफोरा, ये क्लेडोफोरा का डायग्राम हो गया, यूलोथ्रिक्स एंड नॉस्टॉक। ठीक है, तो जहाँ पे भी परिस्थिति अनुकूल रही और इनके खंड जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे नया डिवीजन करके थैलस को कंप्लीट कर लेते हैं। हटा दें इसको, ये ऊपर वाला हटा देता हूँ, थर्ड वन बाई हॉर्मोगोनिया, इसे हिंदी में भी हम हॉर्मोगोनिया ही लिखेंगे, हार्मोगोनिया
एक्चुअली में हम हार्मोगोनिया की बात करें तो ये फिलामेंटस एल्गी का ही एक प्रगत लक्षण है, लेकिन ये साइनोफाइटा का सबसे बड़ा गुण है, और एल्गीज में नहीं, साइनोफाइसी के सदस्यों में। साइनोफाइसी के सदस्यों में ऑसिलोटेरिया, और एक एग्जांपल हम नॉस्टॉक। लेकिन अगर नॉस्टॉक की बात करें तो उसमें हार्मोगोनिया जो है वो मिल रहा है कुछ स्पीसीज में, लेकिन वहां पे एक विशिष्ट संरचना बन रही है, दैट इज हिटेरोसिस्ट। हिटेरो का मतलब विशेष, मतलब अलग, विषम, और सिस्ट का मतलब जटिल या मोटी भित्ति युक्त कोशिका जो आकार में अन्य कोशिकाओं से क्या हो जाती है, अलग। तो यहाँ पे हम हिटेरोसिस्ट की बात करते हैं, और उस हिटेरोसिस्ट को हम अलैंगिक जनन का रूप भी मान लेते हैं, क्योंकि सिस्ट बन गई है या स्पोर के समान दिखाई दे रही है और विशाल विषम परिस्थितियों को सहन कर रही है। लैंगिक जनन की अभी तक जो हमने संरचनाएं देखी उसमें विषम परिस्थितियों को झेलने का कोई अवसर नहीं है, सब कुछ सम परिस्थितियों में ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑसिलोटेरिया नॉस्टॉक, तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये बन गया किसका, ऑसिलोटेरिया। और ऑसिलोटेरिया की विशेषता ये है कि उसके थैलस में एक तो जो निक फॉर्मेशन है ना, जैसे नॉस्टॉक के अंदर ये दिखते हैं निक, ये दो सेल्स होती है नॉस्टॉक की, ये हो गई, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉस्टॉक के अंदर जो ये दिख रही है हमें सेल्स, यहां अगर आप इसमें और इस कोशिका में अंतर को देखें तो दोनों में यही अंतर है। ये हमारे प्रैक्टिकली भी टॉपिक है, नॉस्टॉक एंड ऑसिलोटेरिया दोनों ही साइनोफाइसी के सदस्य हैं। ये एक्जो या वाटर में भी मिल सकता है आराम से, समुद्री जल में, और यहां अगर अपन बात करें तो ये एंडो क्या बोलते हैं फाइटिक के रूप में, एंथोसरोस के अंदर भी मिल रहा है, साइकस की भी कुछ प्रजातियों के अंदर ये मिल रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अगर आप देखें थैलस में तो इस थैलस के रेफरेंस में ये तो हो गई इसकी हाइट, और इस थैलस के रेफरेंस में ये हो गया इसका डायामीटर या एक तरीके से लेंथ। उल्टा मत मानना इसको, थैलस को देखोगे जब तो लेंथ ये हो गई, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ब्रेड्थ चौड़ाई, तो यहां पे अगर आप देखें दूसरा इस थैलस को देखिए, इसकी कोशिका को, ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई। तो आप देख पा रहे होंगे नॉस्टॉक का जो थैलस है एंड ऑसिलोटेरिया, नॉस्टॉक और ऑसिलोटेरिया की थैलस की अगर आप बात करें तो नॉस्टॉक का जो थैलस है उसके अंदर कोशिका की हाइट ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम है, कोशिका ढोलकाकार दिखाई दे रही है। दूसरा, इनमें हर कोशिका की जो सीमन है या जो जुड़ रहा है उनकी नोडल सेक्शन जो है हमें निक के रूप में दिखाई दे रही है, हल्का सा बाहर से हमें खांच या ग्रूव्स के रूप में दिखाई देता। ऑसिलोटेरिया की बात करें तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा, इस कोशिका की जो ऊंचाई है हाइट वो ब्रेड्थ से क्या है कम, कोशिकाएं चपटी होती हैं, जबकि नॉस्टॉक के अंदर कैसी हैं ढोलकाकार प्रकार की दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ी चीज हो गई। तो इन दोनों में बीच में जैसे कि ये सेल्स चल रही हैं पतली भित्ति युक्त, लेकिन इन्हीं सेल्स में कुछ कोशिकाएं जो है वो कैसी हो जाती हैं हार्ड एंड टफ मोटी भित्ति युक्त, और डेसिकेशन जो पीरियड है या जो विषम परिस्थिति है उसमें ये एक विशिष्ट ठोस भित्ति युक्त कोशिकाओं को डेवलप कर लेती हैं, और ये थैलस फिलामेंट में जिन जिन कोशिकाओं में बनती हैं, ज़्यादा विषम परिस्थितियों में कई बार पूरा थैलस बदल जाता है, और कभी कभी ये कुछ कोशिकाएं छोड़कर बनती हैं, दीडा हार्मोगोनिया। तो ये जो डार्क सेल्स बन रही हैं, इन डार्क सेल्स के बनने के कारण ये आकार में बड़ी है, मोटी भित्ति युक्त है, और जो बीच में लिंकिंग है वो ब्रेक हो जाती है, तो ये जो बाकी की कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं अन्य थैलस से या दूसरी कोशिकाओं से ब्रेक हो जाती हैं। अब यहाँ पे दो घटना देखिए,
इस एक के बनने से थैलस दो भागों में टूट गया, लेकिन यहाँ पे एक और बनने की वजह से एक थैलस ये ब्रेक होएगा, एक ये होगा, लेकिन ये बीच की कोशिकाएं या तो ब्रेक होंगी या इसके साथ जुड़कर ये भी किसमें हार्मोगोन में कन्वर्ट हो जाएंगी या अकाइनेट में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाएंगी या हो जाती हैं। यस, देन इसके बाद हम बात करें तो ये बेसिक थे। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं हम, जैसे फ्रेगमेंटेशन था तो इसी का एक रूप और हो जाता है, दैट इज बाय मल्टी फ्रेगमेंटेशन। विखंडन, इसको हम बोल सकते हैं बहु विखंडन। ठीक है, बहुविखंडन हो गया। अब बहुविखंडन की अगर अपन बात करें तो कैसे, तो वही विखंडन है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर कई बार अधिक आघात लगने या जैसे अधिक जल प्रवाह होने के कारण थैलस, जैसे यूलोथ्रिक्स की हम बात करें जल के पैंदे में है, उडोगोनिया की बात करें तो वो भी जल के किसी पैंदे या धरातल से जुड़ा हुआ है, तो अत्यधिक प्रवाह होने की वजह से कई बार क्या होता है थैलस एक से ज़्यादा जगहों से भी ब्रेक हो जाता है, या जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ऑसिलेटेरिया में हार्मोगोनिया एक जगह बन रही है तो सिंपल फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनियन ज़्यादा जगह पर बन रही है तो वहाँ पर हो जाता है मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन। तो हार्मोगोनिया तो एक तरीके से विषम परिस्थिति को भी टॉलरेट कर रही है, प्लस वो विभाजित होकर नया थैलस बना देगी संतति, लेकिन जो बाकी का थैलस है जीवित कोशिकाओं का वो अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो वापस विभाजित होकर क्या कर लेती हैं, थैलस को कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये भी हमारे एक तरीके से एग्जांपल किसके लिए हो गया, फॉर फिलामेंटस एल्गीज। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशलाइजेशन जो कि कायिक जनन के ही तरीके हैं लेकिन सभी प्रकार की एल्गीज में नहीं मिलते। इनकी अगर अपन बात करें तो ये चारों टाइप जो है वो ज़्यादातर एल्गीज में मिलते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन वाला जो है वो फिलामेंटस में, डिवीजन वाला जो है वो हो गया किस में, यूनिसेल्युलर में, और हार्मोगोन्स की अगर अपन बात करें तो वो हो गया किस में, साइनोफाइटा में। अब कुछ अलग एडवांटेज करेक्टर्स, जैसे कि फिफ्थ हम यहाँ पे बात करें बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स की हम बात करें तो इनका मतलब होता है कंद द्वारा, और कंद की अगर अपन बात करें व्हाट इज ट्यूबर्स, तो हायर प्लांट्स में ट्यूबर्स का मतलब हो गया कि तने का वह भाग जो भोजन संग्रहित करके मोटा और बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है और जमीन के नीचे दबा हुआ है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर जो है नोडल सेक्शंस पे पत्रकलिकाएं हैं और वो पत्रकलिकाएं जो हैं वो विभाजित होने की क्षमता रखती हैं, विभाजित होकर प्यूम्यूल और रेडिक्यूल को डेवलप करती हैं। ये हो गया ट्यूबर। जैसे एग्जाम्पल ले लें हायर क्रोप्टोगैम्स में, मतलब आलू, आलू के अंदर जो आई वर्ड्स हैं वो नया आलू का थैलस बनाने को डेवलप करती हैं। लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो यहाँ अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कारा, कुछ मात्रा में यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल अपन किसका, पॉली साइफोनिया टाइप, वो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यूज में ले सकते हैं। क्या हो रहा है, अगर अपन कारा के थैलस की बात करें तो नोडल रीजन दैट इज इंटरनोड नोड इंटरनोड, ठीक है, और यहीं से पर्व संधियां निकल रही हैं लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और यहीं से निकल रही है अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और उस अनलिमिटेड के ऊपर भी क्या हो रहा है, लिमिटेड और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज निकलती हैं। तो ये जो पर्व संधि है, अगर हम बात करें नीचे की तरफ के ओल्ड की, ओल्ड
मेन एक्सिस, ओल्ड मेन एक्सिस। तो ये जो नीचे की पर्वसंधियां हैं, ये लगातार जल प्रवाह होने की वजह से कई बार क्या होती हैं, मैच्योर होके आकार में वृद्धि कर लेती हैं, मोटी भित्तियुक्त हो जाती है और इनमें संचित भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, इन्हीं से क्या डेवलप हो रही है, एक तरीके से लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, और ए मिट्टी में दबने बाद और यहीं से डेवलपमेंट किसका हो रहा है, राइजोइड्स का, राइजोम्स भी यहीं से डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच का जॉइंट है, ये कई बार क्या करता है, यहाँ पर नई बल्बीज या पत्रकलिकाओं के रूप में, या जैसे इनकी अगर अपन बात करें लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच, ये लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच जो है वो डेवलप हो जाती है अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांच में, और इसके नीचे की जो संधियां हैं वो डेवलप करती है अपना राइजोइड्स। और जब ये थैलस से पृथक हो जाता है, तो थैलस से पृथक होने पर ये अपने राइजोइड्स के साथ में क्या करता है, नए पादप के रूप में डेवलपमेंट करता है, एक चीज़। दूसरा, यहाँ एक और हम यहाँ पे ले सकते हैं कि कई बार बाढ़ आ जाने की वजह से या किसी और भौगोलिक विपदा की वजह से ये जो एल्गीज हैं, ये मान लीजिए मिट्टी में दब गई, तो ये जो दबी हुई मिट्टी में एल्गीज हैं, इनके और सेक्शन तो अभी तरुण हैं तो वो एक तरीके से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड मैच्योर जो थैलस है, ये कोशिका अभी मैच्योर है, इसकी कोशिका भित्ति पे स्थूलन ज़्यादा है, तो ये इन अनफेवरेबल कंडीशंस को झेलने के सक्षम होती है। रिजर्व फूड मटेरियल है तो इनकी जो ब्रांचेज है वो वापस डेवलप होकर नए थैलस को बना देती हैं, इसलिए हम कारा के अंदर जो है वो ट्यूबर्स को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक कारण मानते हैं कि ये वहां पे अलैंगिक जनन शो कर सकते हैं। यस, छठा पॉइंट अगर यहीं पे लें तो यहां पे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जिसके अंदर वही जो हम यहां पे कंद की बात कर रहे थे, बाई बल्बीज, BULBIS, पत्र कलिका द्वारा, दोनों में एक छोटा सा अंतर है, ये जो संरचना है ये मिट्टी में दबी हुई थी, और उस दबी हुई जो क्या बोलते हैं नोडल रीजन था, वहां से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा था। लेकिन अगर अपन पत्रकलिका की बात करें तो इसका भी एग्जांपल, हालांकि हम कारा ही ले रहे हैं, नाइटेला के सदस्यों को भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस भूमि की सतह के सबसे पास वाली जो नोडल रीजन है वो यहाँ पे कुछ पत्रकलिका या लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच है उसी के समान पत्रकार समस्या जो संरचना है उनको क्या कर लेती है, ये विकसित कर देती हैं। और ये जो पत्र की संरचना है, जैसे यहाँ डायग्राम अपन बनाएं, ये निकल रही है एक अनलिमिटेड वो लिमिटेड, और ये निकल गई एक अनलिमिटेड, और यहीं पर डेवलप हो रही है, ये हो गई पत्रकलिकाएं। दीज आर बल्बिल्स, दीज आर बल्बिल्स, पत्रों के ऊपर, ठीक है, आराम से। तो ये अनुकूल परिस्थितियों में नया थैलस बनाने में सक्षम होती हैं। एक तरीके से अगर अपन ये बात कहें तो मूलाभासों के बिल्कुल पास से, या सबसे लोअर जो मिट्टी के पास जो सबसे लोअर नोडल रीजन है, वहीं से इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो पत्रकलिकाएं हायर प्लांट्स के अंदर भी हम एक तरीके से विकास क्रम में इसको डिनोट कर लेते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब एक जो स्पेशलाइजेशन इसी का है वो हम यहाँ पे यूज में ले लेते हैं, बाई प्रोटोनीमा, बाई प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा की क्लास की हम बात करें तो प्रोटोनीमा का हिंदी में हम लिख सकते हैं एक तरीके से, जैसे प्लांट्स के अंदर हायर प्लांट्स में प्रिम्यूल होता है, मतलब मूलांग प्रांकुर, उसी तरीके से यहाँ पे इनका एक तरीके से जर्म ट्यूब या जर्मिनेशन एपेक्स के रूप में हम इन्हें शो कर सकते हैं बाई प्रोटोनीमा। जैसे स्पोर बनता है कोई,
स्पोर या सिंपल जू स्पोर या एप्लेनोस्पोर की हम बात करें, तो इन स्पोर्स के माध्यम से क्या हो रहा है डेवलपमेंट। और जैसे कि ये स्पोर है, तो स्पोर में जितने जनन छिद्र होते हैं उतनी उसमें से क्या निकलती हैं, जर्म पोर्स निकलते हैं और वो नए थैलस को डेवलप करते हैं। दीज आर प्राइमरी प्रोटोनीमा। मतलब स्पोर जो है वो एक गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीधी सी बात ये है, अगर एन है तो गैमेटोफाइट है, 2N है तो स्पोरोफाइट है। तो ऐसे में वो जब अनुकूल परिस्थितियों में जनन करने लगता है, जर्म ट्यूब बनाता है, तो जो जर्म ट्यूब हैं संख्या में 1, 2, 3, 4 जितनी भी उससे डेवलप हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा। और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा जो है वो विकसित होती हैं नए पादप के रूप में सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो कारा है इसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लेंगे, कारा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, कारा। तो कारा में क्या हो रहा है कि जो वही मैच्योर ओल्ड जो नोडल रीजन्स हैं वो ओल्ड रीजन्स कई बार मिट्टी में दबकर या विषम परिस्थितियों में या शुष्कता के समय में ये जो संरचनाएं हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये वापस क्या करती हैं, नए प्रोटोनीमाज को डेवलप करती हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतर ये रहेगा कि स्पोर से जो डेवलपमेंट होता है जर्म पोर का उसको तो हम बोल देते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, लेकिन यहाँ पे पहले से उपस्थित पादप से नया पादप का निर्माण हो रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी प्रोटोनीमा का डेवलपमेंट है। ये हमारे कंप्लीट होते हैं एक तरीके से कायिक जनन के भाग, जिसमें हम यह बात कर रहे हैं कौन कौन से। फर्स्ट हमने बात कर ली सेल डिवीजन की, सेकंड हमने बात कर ली फ्रेगमेंटेशन जो कि विखंडन बड़े तत्वों में या छोटे किसी में भी विखंडन, और हाँ अगर किसी कोशिका का ही ब्रेकडाउन हो गया है तो वो जीवित नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे कोशिका के बीच के लिगामेंट टूटे हैं, फिलामेंट के बीच के कोशिका इंटैक्ट है इसलिए इनमें जनन क्षमता पाई जा रही है, ठीक है। तीसरा हम यह बात कर रहे हैं होर्मोगोनिया जो कि साइनोफाइसी के सदस्यों का विशेषता हो गई, मल्टीपल फ्रेगमेंट विषम परिस्थितियों की बात है, कोई बहुत ज़्यादा आघात या फिजिकल स्ट्रेस अगर वहाँ पे वो देखने को मिलती है तब इस तरीके की घटनाक्रम हो रही है। चौथा हम यहाँ पे बात कर वो पाँचवा बात करें वाइट ट्यूबर्स, ये कारा की स्पेशलाइजेशन हो गया बाई द लोअर ओल्ड क्या बोलते हैं मस्ड, या अगर अपन बात करें भूमि में दबे हुए कंधों के द्वारा, ठीक है, बल्बीज भूमि की सतह के ऊपर डेवलप होने वाले बल्बीज के द्वारा, और प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा के अंदर थैलस पूर्ण रूप से दब चुका है और उसकी जो प्राइमरी सॉरी जो ओल्ड मैच्योर संरचनाएं हैं वो अगर अभी भी जीवित है परिस्थितियों में विभाजनशील हो पा रही है तो वो प्रोटोनीमा द्वारा नए पादप को डेवलप कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेकेंडरी हम यहाँ पर बात करते हैं कौन सा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन। अरे कार्ड दिया तेरा सुने कार्ड अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज अनुकूल परिस्थिति में
संपन्न, अनुकूल परिस्थिति में संपन्न, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, कोई भी काय कोशिका भाग ले सकती थी, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, विशिष्ट कायिक कोशिका भाग लेकर, विशिष्ट लेकर स्पोर मदर सेल, मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम इसको, गोनिडिया, में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात सबसे बड़ी अगर अपन बात करें तो कह सकते हैं स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बनते हैं, लंग वो क्या बोलते हैं जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मतलब क्या बोले इनको, सेक्स ऑर्गन्स की हिंदी ध्यान नहीं आ रही, अंग, विशेष अंग जो हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, एंड गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट नहीं बनते, युग्मक, युग्मक नहीं बनते हैं, परंतु परंतु स्पोर मदर सेल्स बन रही है, परंतु विशिष्ट स्पोर्स बनते हैं। तो हमने वेजिटेटिव में तो लिख दिया गैमेट भी नहीं बन रहे और स्पोर भी नहीं बन रहे, लेकिन यहां पे स्पोर बन रहे हैं। नई पीढ़ी या संतति का विकास इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से होता है, क्लियर। बस इतना ही। अब यहां पे टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हम यहां पे काफी यूज में लेंगे, कल मिटा दूं ये। बाई जू स्पोर्ट्स, चल भी जानू, बाई एप्लेनो, अचल भी जानू, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हो गया सो ऑन, मेन यही है। उसके बाद हम बदलते जाएं तो ये बदलते रहेंगे अनेक के रूप में, ठीक है। जैसे कि एंडोस्पोर्स, एक्जोस्पोर्स, डॉटर कॉलोनी, अकाइनेट, हैप्लेनोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, कार्पोस्पोर्स, ठीक है। लगभग 10-12 प्रकार के अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग जो भी एग्जाम्पल्स हम लेंगे उनमें अलग अलग विशेषता जो है वो स्पोर्ट्स के रूप, उनके डायमेंशन, उनके एक तरीके से विषम परिस्थितियों को टॉलरेट करने की क्षमता, उसके आधार पर उनमें अलग अलग डिफरेंस या वेरिएबिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो आज की क्लास में हमारे इतना ही, देन कल हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। Gracias.